यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है, किस्मत की लकीर का दो शाखा होना। एक तो किस्मत की लकीर का डबल होना, इस पर हम पहले प्रोग्राम कर चुके हैं और बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की है कि किस्मत की लकीर का दो या सह शाखा होना, इसकी क्या अलामत है। तो वो मैं आपको इसमें बनाकर बताता हूँ और अपने हाथ में उसको चेक कीजिएगा और फिर इसकी खामियां भी और इसकी खूबियां भी बताता हूँ, उसको भी आप नोट कीजिएगा। अगर इस तरह की लकीरें आपके हाथ में हैं तो ये समझें कि आपकी किस्मत की लकीर अच्छी है। सबसे पहले ये ज़िंदगी की लकीर, उसके बाद ये है अपने दिमाग की लकीर, उसके बाद ये है दिल की लकीर और उसके बाद ये है किस्मत की लकीर। ये किस्मत की लकीर है जो कलाई से आगाज़ कर रही है और यहाँ तक ये पहुँच चुकी है, यानी दिमाग की लकीर के करीब करीब पहुँच चुकी है, ठीक है। और बाज़ हाथों में ये दो शाखा होती है, इस तरह से दो शाखा, यानी एक शाख यहाँ मिलती है, एक शाख शम्स की तरफ जाती है और एक शाख मुश्तरी की तरफ जाती है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की लकीर मौजूद है तो ये समझें आपके ऊपर अल्लाह की रहमत भी होगी, यानी नमाज, रोज़ा और इन चीज़ों के पाबंदी भी आप करेंगे ये, और हक हलाल कमाएंगे और उसमें बहुत कामयाबी होगी, क्योंकि दूसरी शाख आपकी जा रही है रिंग फिंगर की तरफ। रिंग फिंगर यानी कि तीसरी उंगली, इसको हम कहते हैं शम्स वाली उंगली, शम्स का उभार। एक शाख अगर उस तरफ जाती है और एक शाख ज़िंदगी से मिल के यहाँ जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छी अलामत है। और बाज़ हाथों में ये भी होता है कि ये दो शाखा के बजाय ये सह शाखा भी होती है, यानी तीन शाखा भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि नेकी का काम भी करेंगे, पैसा भी आएगा, शोहरत भी होगी, कामयाबी मिलेगी, और तीसरी जो है कि घर वालों की या बेटे की या बेटी की या बीवी की किसी की किस्मत भी आपको साथ साथ चल रही है, आपके साथ साथ चल रही है। जहाँ पर आपका रॉन्ग वक़्त आता है, यानी आउट वक़्त आता है कि जिसमें आप ये समझें कि मुश्किल में फंस जाते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं, या आपको उम्मीद लग जाती है कि मेरे ऊपर ये मुश्किल या मेरे ऊपर ये परेशानी या मेरे ऊपर ये वक्त आने वाला है तो आप उलझ जाते हैं, तो उस वक़्त ये लकीर फौरी टैग करती है, यानी डायरेक्ट ये उस तरफ बढ़ती है कामयाबी की तरफ। आपको बुरा वक़्त नज़र ज़रूर आता है मगर वो बुरा वक़्त अल्लाह के फजल से आपके करीब भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी एक किस्मत की लकीर की शाख मुश्तरी की तरफ जा रही है, दूसरी जो है ज़ेल और मुश्तरी के दरमियान जा रही है, ये भी एक अच्छी अलामत, और तीसरी डायरेक्ट जन ये समझें कि शम्स की तरफ जा रही है और ये एक बहुत अच्छी अलामत है। प्यारे दोस्तों, इसको अपने हाथ में तलाश कीजिएगा। अगर आपके हाथ में या आपके दोस्तों के हाथ में इस तरह की लकीर है तो उसके बारे में आप ये कमेंट्स कर सकते हैं कि ये सिलसिला होगा। तो प्यारे दोस्तों, अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। रिया ने सवाल किया लाहौर से कि मैं अपने काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चले जाऊँ, मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप कोशिश करें, आप मेहनती हैं, आप यहाँ रहें या वहाँ रहें, आप कामयाब होंगी इंशाल्लाह। हिना ने सवाल किया कराची से कि तलाक़ को 10 साल हो गए, दूसरी शादी होगी तो कब होगी। आपके हाथ में हिना साहब शादी की लकीर मौजूद है, आप जब चाहें करें, अब लकीर आपकी शादी तो नहीं करवाएगी ना, आपको ख़ुद इसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। आप कोशिश करें, आपके हाथ में लकीर बिल्कुल रेडी है। किरण ने सवाल किया नारोवाल से कि जब से शादी हुई है मेरी और मेरे शोहर की आपस में नहीं बनती, बात बे बात पर लड़ाई हो जाती है और शोहर जो ना वो मुझे छोड़ना भी चाहते हैं, बताएं कि मेरी शादी से ज़िंदगी का आगे क्या बनेगा। आप कोशिश करें, अपने तौर पर संभालने की कोशिश करें, आपके हाथ में तलाक की कोई ऐसी अलामत मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह आपकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी। निम्रा ने सवाल किया गुजरात से कि शोहर कैसा होगा और शादी के बाद की ज़िंदगी कैसे होगी। शोहर कैसा होगा ये तो लकीरें नहीं बताती, बाकी ये है कि शादी की ज़िंदगी अल्लाह के फजल से आपकी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर होगी। ज़फ़र इकबाल ने सवाल किया है फैसलाबाद से कि मेरे हालात क्यों ख़राब हैं और मेरे हालात कब अच्छे होंगे। ज़फ़र इकबाल साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर मौजूद नहीं है और किस्मत की लकीर मौजूद न होना एक बहुत बड़ी ही अच्छी अलामत है, यानी अगर लकीर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक रास्ता दे दिया गया है कि आप इस रास्ते पे चलो, आप कामयाब होंगे।
और जो अगर किस्मत की लकीर ना हो तो अल्लाह ताला ने आपको फ्री हैंड दिया है कि मेहनत आप करो, कामयाब मैं करूँगा। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें, मैं ऐसे पंजाब के, कराची के, पेशावर के ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जिनके हाथ में किस्मत की लकीर नहीं है और वो लोग अरबों खरबों पति हैं मौजूदा वक़्त में, वो हैं। अहमद शहजाद ने सवाल किया गुजरांवाला से कि मेरे कारोबारी हालात जो हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, ये बताएं कि कब अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर भी बहुत अच्छी है और कामयाबी की लकीर भी आपके हाथ में बहुत अच्छी है। अल्लाह के फजल से 2021 आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसमें बहुत सी कामयाबियां मिलने के चांस हैं। सानिया ने सवाल किया है लाहौर से कि इज़दवाजी ज़िंदगी कुछ मुतासर है, ये बताएं कि कैसे ज़िंदगी गुजर होगी और कोई मामला तय पाए जाएंगे या नहीं। देखें सानिया साहब, आपके मामला बनते हुए मुझे नज़र नहीं आते, बहरहाल कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है, आप कोशिश करें, हो सकता है कि अल्लाह ताला मेहरबान हो, वरना आपके हाथ में जो लकीरें मौजूद हैं उसके हिसाब से पोजीशन अच्छी नज़र नहीं आती। जन्नत ने सवाल किया हैदराबाद से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है। जन्नत साहबा, आपके हाथ में किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर है और इसके अलावा कामयाबी की लकीर पर एक क्रास बना हुआ जो बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है। अब्दुल आहद ने सवाल किया सादकाबाद से कि मेरी किस्मत कैसी है और हालात कैसे रहेंगे। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अच्छी है और कामयाबी मिलने के चांस भी मौजूद हैं। सैयद कमालुद्दीन ने सवाल किया है इंडिया से कि मैं सऊदीया में हूँ, ये बताएं कि मैं सऊदीया में रहूँ या इंडिया में चला जाऊँ। आपके लिए बेहतर यह है कि आप इंडिया में चले जाएँ और वहीं कुछ कोशिश करें कारोबार की, अल्लाह के फजल से आप कामयाब होंगे। सुमल ने सवाल किया है AJK से कि मेरी किस्मत में दौलत कितनी है। सुमल साहब, आपके हाथ में दौलत है लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत कोशिश करना पड़ेगी, उसके बाद आपको कामयाबी नसीब होगी और कामयाबी ऐसे नसीब होगी कि आपके ख़ानदान और बिरादरी में इससे पहले इतना कामयाब कोई नहीं हुआ होगा। अब्दुल वहीद ने सवाल किया इंग्लैंड से कि मैं एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा चुका हूँ और वो डॉक्यूमेंट नाकाम हो चुके हैं, अब दोबारा मुझे आप ये बताएं कि मैं कब जमा कराऊँ ताकि मुझे कामयाबी मिले। अब्दुल वहीद साहब, आपके हाथ में परेशानी की और हसद की बहुत ज़्यादा लेने हैं, यानी आइए इसका ये मतलब नहीं कि आप हसद करें, आपसे लोग हसद कर रहे हैं और आपके हाथ में परेशानी की जो लकीरें हैं वो आपकी लाइफ लाइन को, आपकी ब्रेन लाइन को, आपकी हार्ट लाइन को, आपकी लक लाइन को और आपकी शोहरत की लकीर को, यानी कामयाबी की लकीर को, वो सब लाइनों को काटती गुजरेंगे, यानी कि मौजूदा वक्त आपके मुकम्मल ठहराव का वक्त है। आप 2021 के चौथे और पाँचवें माह में कोशिश करें तो दोबारा हाथ भेजें ताकि हम देखें कि उसमें कोई रास्ता नज़र आ रहा है या नहीं, फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सादिया ने सवाल किया लाहौर से कि ये बताएं कि दौलत कब आएगी। सादिया साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अल्लाह के फजल से अच्छी है और हो सकता है कि आने वाला 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और तब्दीली का साल हो। सारा ने सवाल किया गुजर खान से कि औलाद कब होगी। सारा साहब, आपके हाथ में औलादों की 3 से 4 लकीरें मौजूद हैं लेकिन फ़िलवक्त तो इतनी शोख और गहरी नहीं है, हो सकता है आने वाले वक्त में शोख और गहरी हो जाए तो इंशाल्लाह जल्द औलाद होगी। ज़ुबैदा ने सवाल किया मुल्तान से कि मैं अपने शोहर की वजह से अमीर होंगी या अपनी मेहनत से अमीर होंगी। ज़ुबैदा साहब, आप अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से कामयाब होंगी, शोर के लक के हिसाब से आपकी कामयाबी मुझे नज़र नहीं आती। उमर अली ने सवाल किया दुबई से कि मेरी किस्मत में दौलत है और ये बताएं कि मेरी किस्मत कैसी है। उमर अली साहब, आपके हाथ में किस्मत की लकीर अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी और आपके हाथ में कामयाबी की लकीर भी बड़ी गहरी और शोख लकीर है, अल्लाह के फजल से आने वाला वक्त आपका होगा। ज़ीशान अली ने सवाल किया सदर कराची से, ये बताएँ कि दौलत कब नसीब में होगी। ज़ीशान अली साहब, आपके हाथ में परेशानी की बहुत सी लकीरें हैं, 2 से 4 माह तो आपके इन मामलात में गुजर जाएंगे, उसके बाद अल्लाह के फजल से आपके हालात बेहतर और अच्छे हो जाएंगे। नाज़िश ज़फ़र ने सवाल किया जलम से कि शादी मुल्क में होगी या मुल्क से बाहर होगी। आपकी शादी 100% मुल्क में होगी और अल्लाह के फजल से कामयाब होगी और आपके नसीब में 3 से 4 औलादें भी होंगी और औलादें भी खुशबख्त होंगी। तहरा एजाज ने सवाल किया टैक्सला से कि मेरे हालात कब अच्छे होंगे। तहरा एजाज साहबा, आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है उसमें बहुत सी रुकावटें हैं, इंशाअल्लाह 3 से 4 माह लगेंगे, उसके बाद अल्लाह के फजल से ये उस मुश्किलों से निकल जाएंगे। नरजस ने सवाल किया लाहौर से कि जिस काम में हाथ डालती हूँ उसमें नाकाम होती हूँ, उसकी क्या वजह है और मुखालफिन बहुत ज़्यादा हैं। देखें नरजस साहबा, आप कोशिश करें
कोशिश करें, अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और कुव्वत दे तो सूरह इखलास को जो है 300 बार रोज़ पढ़ लिया करें, अल्लाह के फजल से कामयाबी खुद आपके पास चल के आएगी। लेकिन ये एक दो दिन नहीं पढ़ना, ये हमेशा पढ़ना है आपने। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।